हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? मनु भाकर हैज वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024। सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये रिलेटेड है शूटिंग से, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने शूटिंग की है, और ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? नेशनल जल जीवन मिशन हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू हाउ मैनी रूरल हाउस होल्ड्स बाई जुलाई 2024। तो ये जल जीवन जो मिशन है, इसके तहत 15 करोड़ लोगों को दिया जाएगा ये कनेक्शन। हाल ही में भुगतान ऐप एम डी जी नेक्स्ट एंड एआई संचालित वीएमआर को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द पेमेंट ऐप एम डी जी नेक्स्ट एंड एआई पावर्ड वीएमआर? तो इसको लॉन्च किया गया है बीओबी के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में संघ सूची के विरुद्ध किसने विदेश सचिव पद पर नियुक्ति की है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी अगेंस्ट द यूनियन लिस्ट? तो ये किया गया है केरला में, और केरला में एक पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं जिनका नाम है के वासुकी, इनको बनाया गया है केरला में विदेश सचिव। हाल ही में किसे 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर फॉर 2024? तो ये अध्यक्ष बना है अपना प्यारा भारत। हाल ही में लॉन्च संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा? लोन अप टू हाउ मैनी लाख विल बी गिवन अंडर द लॉन्च्ड रिवाइज्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम? तो ये है 7.5 लाख रुपए का लोन। किस देश ने राम मंदिर की में विराजमान भगवान श्री राम पर डॉक टिकट जारी किया है? विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड ए पोस्टेड स्टैम्प ऑन लॉर्ड श्री राम सीटेड इन द राम टेम्पल? तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? लाओस के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन इंडी ऐप का संबंध किससे है? व्हाट इज द एप्सिलॉन इंडी ऐप विच वॉज इन द न्यूज रिलेटेड टू? तो ये एक्सोप्लैनेट है, आंसर इज सी। हाल ही में CRPF की का स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was the foundation day of CRPF celebrated? तो CRPF का फाउंडेशन डे मनाया गया 27 जुलाई। CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। ओके, और इसका मोटो है क्या? मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? हु हैज़ अटेंडेड द फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो फोर्थ बिम्स्टेक है ये, और इसमें हिस्सा लिया है अजीत डोभाल ने भारत की तरफ से। बिम्स्टेक की जो पहली बैठक हुई है इस बार की, वो हुई है म्यांमार में। पहली बैठक जो बिम्स्टेक की हुई थी, वो हुई थी 2017 में, और बिम्स्टेक की स्थापना हुई है 1997 में, मुख्यालय है बांग्लादेश में, बांग्लादेश ढाका में। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ब्रोकर्ड अ डील बिटवीन 14 पैलेस्टीनियन ग्रुप इंक्लूडिंग फतह एंड हमास फॉर स्ट्रेंथनिंग यूनिटी? स्ट्रेंथनिंग यूनिटी डील ब्रोकर की है 14 पैलेस्टीन ग्रुप इंक्लूडिंग फतह एंड हमास, और ये कंट्री है कौन सी? ये है चाइना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, आंसर है डी। रिसेंटली विच कंट्री हैज अज्यूम द चेयर ऑफ
एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर APDC फॉर 2024-25। तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का चेयरमैन की मतलब जो अज्यूम किया है, अध्यक्ष बने हैं कौन, अपना प्यारा भारत। विच कंट्री हैज़ वॉन द रिसेंटली हेल्ड वुमेन्स एशिया कप इन क्रिकेट, किसने जीता है वुमेन्स एशिया कप इन क्रिकेट, तो ये जीता गया है श्रीलंका के द्वारा। आंसर इज ए। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट फॉर रिट्राइवल ऑफ एंशियंट एंटिक आइटम्स विथ विच कंट्री, तो इंडिया ने साइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, तो ये किसके साथ किया है, ये हमने किया है USA के साथ। हाल ही में IAIFF में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में किसे सम्मानित किया है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2024 अवार्डेड बाय AIFF, तो ये हैं इंदुमती कथिरेशन। आंसर इज डी। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो ये हैं हरिभाव किशन राव बागड़े। हाल ही में जलवायु वित्त कार्य निधि CEAF की घोषणा किसने की है, हु हैज़ अनाउंस्ड द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, तो ये घोषणा की गई है अजरबैजान के द्वारा। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया, व्हेन वाज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया 28 जुलाई को, और इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये इसकी थीम है। हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल किसने लॉन्च की है, Who has launched the Wrestle for Glory CSR initiative? तो ये लॉन्च किया गया है इंडस इन बैंड के द्वारा। आंसर इज ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।